हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एजे वो कैब, जहाँ पर आपको मिलती है वो कैब ऑन डेली बेसिस और कुछ ऐसी वो कैब जिन्हें आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव कर सकते हो। तो चलो देखते हैं आज की वो कैब हमारे पास में कौन सी है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कई बार कहते हो पेट दर्द, पेट दर्द एक नाउन है फ्रेंड्स, जिसे इंग्लिश में कहोगे आप स्टमक एक। स्टमक का मतलब होता है पेट, एक का मतलब होता है दर्द। हाँ फ्रेंड्स, पेन और एक में डिफरेंस है। पेन किसी पार्ट्स के लिए पेन यूज़ किया जाता है, किसी पार्ट्स के लिए एक यूज़ किया जाता है। पेट के लिए यूज़ किया जाता है एक, स्टमक एक। अ पेन इन अ पर्सन्स बेली और स्टमक इज स्टमक एक। तो अब आप पेट दर्द नहीं बोलोगे, अब क्या बोलोगे? स्टमक एक। आप ये भी ना कहोगे कि मुझे स्टमक में पेन हो रहा है, स्टमक पेन है ना, स्टमक एक। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव स्टमक एक सिंस मॉर्निंग, कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर? मुझे सुबह से पेट में दर्द है, क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? सेकेंड एग्जाम्पल है, द पेशेंट्स स्टमक एक स्टॉप्ड आफ्टर ही टुक द मेडिसिन। जैसे ही उसने मेडिसिन ली, उसके बाद पेशेंट का जो पेट दर्द था वो रुक गया। थर्ड एग्जाम्पल है, यू कैन ड्रिंक ल्यूकवार्म वाटर विथ लेमन टू हील योर स्टमक एक। तुम क्या कर सकते हो? तुम गुनगुना पानी नींबू के साथ पी सकते हो अपने पेट के दर्द को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का वर्ड था पेट दर्द। हम कई बार यूज़ करते हैं, लेकिन अब इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टमक एक। और मैं आपसे मिलूंगा नए वीडियो में नए वर्ड के साथ, जिन्हें आप यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव कर दो। यही हमारे चैनल का टारगेट है, यही मेरा पर्पस है कि आपके कम्युनिकेशन को बेस्ट कर सकूं, शानदार कर सकूं। मैं आपसे मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्रेंड्स।